अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है नया वीडियो बनाने के लिए प्लीज़ दूसरों को शेयर करिए जिससे मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे और मैं चाहता हूँ कि लाइक मैं भी एक अच्छा टीचर बन सकूँ तो मेरा भी सपना है तो प्लीज़ मेरे को मेरी हेल्प करिए अगर आप वीडियो देखते हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए लोगों को तो आज हमारा टॉपिक है मलेरिया तो मलेरिया लोग सोचते हैं मच्छर काटने से होता है ना पर मच्छर काटना मच्छर इज़ नॉट अ वजह ऑफ मलेरिया मलेरिया एक जानवर से होता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम अब प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ हुआ है ऐसे जानवर जो बहुत छोटे होते हैं जो अपनी आंखों से नहीं दिखते हैं उनको बोलते हैं प्रोटोजोआ प्रोटो मतलब एंड जोआ मीन्स छोटे एनिमल्स तो प्रिमेटिव एनिमल बहुत छोटे होते थे मतलब पुराने ज़माने के जानवर बहुत छोटे होते थे जो हमारी आंखों से नहीं दिखते थे तो उनको बोलते हैं प्रोटोजोआ तो उसमें से एक प्रोटो प्रोटोजोवा में बहुत सारे प्रोटोजोआ है उसमें से एक प्रोटोजोआ है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम क्या नाम है प्लाज्मोडियम और प्लाज्मोडियम करता है मलेरिया तो प्लाज्मोडियम की लिख के दिखा देता हूँ प्लाज्मोडियम इसकी बहुत सारी स्पीशीज़ है पर इंसान के अंदर पांच स्पीशीज डिस्कवर हुई है जो बीमारी करती है तो प्लाज्मोडियम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया तो ये जो बनता है ना छोटा सा जानवर ये ये रिस्पॉन्सिबल है मलेरिया करने के लिए मच्छर रिस्पॉन्सिबल नहीं है मलेरिया के लिए मच्छर एक टैक्सी की तरह है एक वेक्टर है मतलब जैसे हम लोग समझो आप आ, क्या बोलते एक गुंडे हो और जैसे एग्जाम्पल करो प्लाज्मोडियम एक गुंडा है गुंडा ऐसे नहीं आएगा गुंडे को इंसान के अंदर आने के लिए कोई वेक्टर की ज़रूरत है और मस्कीटो एक वेक्टर है जो मच्छर होते हैं ना मस्कीटो वो एक वेक्टर है तो ये मस मच्छर के अंदर बैठा रहता है और उसके बाद जब मच्छर मुंह मारता है मतलब बेसिकली मच्छर में जो लड़कियाँ होती हैं ना मेल देखो दो टाइप के मच्छर हैं ना लड़के और लड़कियाँ मच्छर होती हैं तो लड़के खून नहीं चुसते लड़कियाँ वाली जो मच्छर होती है ना वो खून चुसती है तो फीमेल मस्कीटो हमको काटते लड़के वाले मस्कीटो नहीं काटते तो अभी फीमेल क्यों काटती है तो फीमेल बेसिकली उसको बच्चे पैदा करने रहते हैं और बच्चे पैदा करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए देखो तो हर एक माँ चाहती है कि उसके बच्चे को अच्छा से अच्छा खाना मिले तो जब प्रेग्नेंट होती है कोई औरत तो उसको इतने लाइक फ्रूट्स खिलाते हैं ये खिलाते तो मच्छर भी चाहती है उसके बच्चों को अच्छा सा खाना मिले उसे पता है अगर इंसान ने मुझे पकड़ लिया तो मुझे मेरी चटनी बना देंगे वो लोग और पीस के इतना चप्पल से इतना बुरा बुरा मारेंगे हाथ से तपली से ही मार देंगे मैं मर जाऊंगी उसको पता है मच्छर को पर वो अपनी रिस्क लेती है अपनी जिंदगी की रिस्क लेती है अपने बच्चों के लिए और वो आती है हमारा खून चूसने अपने बच्चों के लिए अब मेल मच्छर को बच्चे तो पैदा नहीं करने आदमी को तो बच्चे लेके ले घूमने नहीं है तो मेल मच्छर पेड़ पौधों के जाकर रस पी लेता है पर फीमेल मच्छर को बच्चे पैदा करने हैं तो उसको खून पीना पड़ेगा तो ये प्लाज्मोडियम को पता है मच्छर आएगी खून पिएगी तो बोल ये प्लाज्मोडियम बड़ा शान उसको पता है चलो मच्छर में घुस जाते फिर मच्छर से इंसान में घुस जाएंगे क्यों मच्छर में इतना खाना नहीं मिलेगा मच्छर खुद हमसे खाना खाने आती खून तो इंसान के अंदर कितना खून है पाँच लीटर खून है उसका इतना सारा खाना खाता है बिरयानी खाता, खाता है फ्राइड राइस खाता है मच्छर लोग तो बना नहीं सकते और तो प्लाज्मोडियम को भी पता है, भाई इंसान लोग इतना करते तो प्लाज्मोडियम मच्छर के ज़रिए से हमारे अंदर घुसता है तो कोई नालायक मच्छर या समझो ये आपका हाथ है कोई नालक मच्छर या बैठ गई उसके ऊपर तो जब वो खून पीसती खून चूसती है बेसिकली मच्छर के नीडल्स होते हैं लाइक मच्छर का जो मुंह होता है उसको बोलते हैं प्रोबोसेस उस प्रोबोसेस के अंदर छह नीडल होते हैं मतलब छह कांटे होते हैं दो कांटे चमड़ी को सेपरेट करते हैं फिर दो कांटे चमड़ी में होल करते हैं एक एक कांटा चमड़ी को सुन कर देता है जब मच्छर काटता है तो आपको महसूस नहीं होता है कि भाई एक मच्छर काट रहा है उसके बाद एक कांटे से वो चूसती है खून जब कभी छः कांटों में से जिस कांटे से खून चूसती है कभी कभी गिफ्ट के साथ वो आपको प्लाज्मोडियम दे सकती है अब प्लाज्मोडियम दी तो मलेरिया होगा आपको बच नहीं पाओगे मलेरिया से जल्दी तो मच्छर को पता नहीं उसके अंदर प्लाज्मोडियम है कि नहीं मच्छर की बहुत सारी वैरायटी होती है बेटा दुनिया में बहुत सारे टाइप के मच्छर हैं तो जो मलेरिया करता है मच्छर उसका नाम है फीमेल एनाफिलस मस्कीटो क्या नाम है फीमेल एनाफिलस मस्कीटो यही प्रजाति का मच्छर आपको मलेरिया कर सकता है बाकी दूसरे प्रजाति के मच्छर नहीं कर सकते अलग अलग मच्छर अलग अलग टाइप के आ, क्या बोलते वायरस लेके या प्लाज जानवर लेके घूमते हैं तो एनाफिलस मस्कीटो फीमेल मतलब औरत वाली एनाफिलस मस्कीटो प्लाज्मोडियम लेके घूमती है और कभी कभी ये हमको खून पीते पीते ये प्लाज्मोडियम भी गिफ्ट में देके जाती है अब प्लाज्मोडियम की पांच स्पीशीज़ हैं कितने है? स्पीशीज हैं पांच स्पीशीज़ हैं इस पाँच स्पीशीज के नाम क्या है पहला है प्लाज्मोडियम वाइव जो इंडिया में बहुत होता है फिर है प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम फिर है प्लाज्मोडियम ओवेले फिर है प्लाज्मोडियम मलिराय अभी 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 एक, एक और एक प्लाज्मोडियम नोलेसी प्लाज्मोडियम नोलेसी तो प्लाज्मोडियम नोलेसी अभी नया नया निकला है जो अभी अभी मार्केट में आया है तो वो भी मच्छर से फैलता है तो बेसिकली तो पांच टाइप के स्पीशीज़ हैं जो प्लाज्मोडियम के जो इंसान को बीमारी कर सकते हैं पर दुनिया में बहुत सारे प्लाज्मोडियम है जो अलग अलग जानवरों को पड़ते हैं कोई कुत्ते को, को काटेगा मच्छर वाले को रहेगा अलग अलग मच्छर होते हैं ना अलग अलग काटते हैं तो अलग अलग, अलग प्लाज्मोडियम भी होते हैं पर इंसान हम लोग मतलब ही है अपन खाली अपने बारे में पढ़ेंगे तो खाली पाँच स्पीशीज़ अपने को इफेक्ट कर सकती है उसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक है प्लाज्मोडियम फेल्सिफेरम क्यों खतरनाक है कि उसका सिम्टम कम से कम लाइक क्या बोलते हैं बारह या तेरह चौदह दिन में दिख जाता है उसका सिम्टम बाकी सब मस्किटो को पंद्रह दिन लग जाते सत्रह दिन लग जाते पर फेल्सिफेरम को कम से कम दिन में सिम्टम आता है इसलिए वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है तो फेल्सीफेरम सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है हमारे उसके अंदर बाकी सब ठीक है इतने बुरे नहीं हैं पर फेल्सफेरम से ज्यादा मौत होती है और फिर उसके बाद वाईफेक्स है उसका लाइक फेल्सफेरम चौबीस घंटे में हर चौबीस घंटे में फेल्सीफेरम अगर घुस गया प्लाज्मा प्लाजमोन फेल्सफरम तो हर चौबीस से फोर्टी फोर घंटे में आपको बुखार चलेगा पर बाकी सब स्पीशीज घुसेंगे तो कम से कम दो तीन लगता है बुखार आने में बार बार तो उसका इंक्यूपेशन पीरियड लाइक बाकी सबसे कम है फेल्सीफेरम का तो फेल्सीफेरम फेरम सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है कि उसका इन्फ्लूशन कम है और जल्दी से जल्दी मौत हो जाती है बाकी सब लोग को टाइम भी ज़्यादा लगता है कि पहले सबसे कम फेल्सीफेरम को लगता है ग्यारह चौदह दिन फिर दूसरे वाले को चौदह दिन फिर सत्रह दिन फिर लाइक ट्वेंटी एट दिन भी लगता है सबसे लाइक अलग 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 वाले को अलग अलग लगता है तो जो सब वाई है ना उसके सबसे ज़्यादा दिन लगते हैं तो वाईवैक्स इतना डेंजरस नहीं इंडिया में जाता है वाईवैक्स पर इतना डेंजरस नहीं है तो प्लाज्मोडियम के बहुत सारे टाइप है पर इमेजिन करो एक प्लाज्मोडियम हमारे अंदर आ गया जब मच्छर हमारा खून चूस रही थी अभी मलेरिया के मच्छर रात को काटते हैं बेसिकली तो आप सोए हो रात में मस्त तो मलेरिया का मच्छर आएगा और आपको काट के जाएगा तो रात में ज़्यादा ये फैलाते हैं नौ से सुबह के छः नौ से छ बजे तक ये मच्छर काटते हैं मलेरिया के पर आजकल रात को लोग मच्छरदानी में सोते हैं क्रीम लगा के सोते हैं तो मलेरिया के मच्छर दिन में भी काटने लग गए थोड़ा बहुत पर मलेरिया के मच्छर हमेशा रात में काटते हैं ये इनका प्रोविजन है तो अगर आपको मलेरिया हुआ तो समझो आप को कोई रात को सोए तो कोई मच्छर काट के गए आपको जैसे ही मच्छर काटते हैं वो खून चुसते चुसते आपको ये प्लाज्मोडियम भी दे सकते हैं जैसे ही ये प्लाज्मोडियम आपके अंदर आता है ये नालायक प्लाज्मोडियम ये आपके लाइक छ से छः घंटे में 60 मिनट सॉरी 60 मिनट्स में ये आपके लीवर में पहुंच जाएगा छः साठ मिनट में सीधा आपके लीवर में पहुंचेगा जाएगा तो मैंने लीवर लिव, ड्रॉ करके रखा है ये लीवर देख रहे हो आप ये ड्रॉ करके कर रखा है तो साठ मिनट में ये लीवर में पहुंच जाएगा ये प्लाज्मोडियम जो मच्छर के साथ मुंह के साथ आया आपके बॉडी के अंदर अब ये जो प्लाज्मोडियम है ना लिवर में सेल होते हैं जिनको बोलते हैं हिपैटोसाइड ये उसके अंदर घुसने लगेगा तो जो प्लाज्मोडियम अंदर आता है उसको बोलते हैं स्पोरोजोइड क्या बोलते हैं स्पोरोजॉयड क्या बोलते हैं स्पोरोजॉयड तो जो प्लाज्मोडियम का जो समय पर प्लाज्मोडियम बॉडी के अंदर आता है उस स्टेज में प्लाज्मोडियम को क्या बोलते हैं स्पोरोजॉइड ये स्पोरोजॉइड जैसे ही खून चूसता है मच्छर ये पोरोसोइड आपके सीधा 60 मिनट में लीवर में पहुंच जाता है लीवर में पहुंच जाएगा जैसे लीवर में पहुंचता है वो लीवर के सेल के अंदर घुसने लगता है तो समझो ये है लीवर का सेल ये इसके अंदर घुसने लगेगा और ये हरे हरे डॉट दिख रहे हैं आपको ये घुस चुका है प्लाज्मोडियम जैसे प्लाज्मोडियम घुस जाता है लीवर के सेल के अंदर वो एक स्टेज बनाता है जिसको बोलते हैं सीजोंट क्या बोलते हैं सीजोंट वो बच्चे पैदा करने लगता है बिना सेक्स करे तो उसको बोलते हैं सिजोंट और जब बहुत सारे बच्चे पैदा हो जाते हैं उसको बोलते हैं मीरोजॉयड देखो बहुत सारे बच्चे हरे हरे डॉट दिख रहे हैं, हैं, बहुत सारे बच्चे पैदा हो गए जिनको बोलते हैं मीरोजॉयड और ये जो सेल होता है ना ये फुट जाता है लीवर में बहुत सारे सेल होते हैं समझो इस सेल को इफेक्ट किया तो पहले इसके अंदर सीजोंट बनाएगा फिर सीजॉन्ट बनाने के बाद

ऐसे बहुत सारे स्पोरोसॉइड घुसेंगे लीवर सेल के अंदर और बहुत सारे मीरोजॉयड बनेंगे लीवर सेल को फोड़ फोड़ के फोड़ फोड़ के फिर कुछ मीरोजॉयड फिर से घुस जाएंगे दूसरे लीवर सेल के अंदर उसको फिर से फोड़ना चालू कर देंगे पर कुछ मीरोजॉयड बोलेंगे भाई आप थक गए चलो आप खून में जाते हैं कि भूख लग रही है ना अभी तक भूखे हैं लोग अभी तक खाली बच्चे पैदा करे अभी खाने का समय आ गया तो ये लोग खून में जाएंगे एक सेल के पास जिसको बोलते हैं आरबीसी क्या बोलते हैं आरबीसी अब आपका खून लाल क्यों है कि आपके खून में एक सेल होता है जिसको बोलते हैं आरबीसी हम सब सेल के बने लिवर भी सेल का बना है हड्डियां भी सेल की बनी हुई तो खून भी सेल्स के बने हुए एक सेल है जिसका नाम है आरबीसी अभी दुल्हन की तरह होता है जैसे दुल्हनों को देखा है आपने एकदम बड़ा बड़ा कपड़ा पहनती हैं और ऐसे चलती हैं है ना और उनके कपड़ों में डायमंड लगे रहते हैं है ना तो वैसे इनके कपड़ों में भी इमेजिन करो इनके साइटोप्लाज्म के अंदर डायमंड लगे होते हैं जिनको बोलते हैं हीमोग्लोबिन क्या बोलते हैं हीमोग्लोबिन तो अगर आपको समझो आपकी गर्लफ्रेंड को आंख मारने का है तो आपको ऑक्सीजन चाहिए आप हंस रहे हो आपको ऑक्सीजन चाहिए आप मेरा लेक्चर देख रहे हो तो ऑक्सीजन चाहिए तो आपके फेफड़े से जो ऑक्सीजन होता है ना ये आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स लेके जाते हैं इन हीमोग्लोबिन में पकड़ के तो बेसिकली ये आरबीसी एक गर्लफ्रेंड की तरह है जिसने बहुत बड़ा कपड़ा पहनी है उसके कपड़े में बहुत सारे डायमंड लगे हैं और सारे बॉडी फ्रेंड को डायमंड में फिसाती है तो चुड़ैल एक नंबर की जिसमें अपने सारे बॉयफ्रेंड्स को डायमंड में घुसा घुसा के रखा है तो सारे बॉयफ्रेंड्स को वो डायमंड में घुसाती है तो स्पोरोज़ोइट की नजर है उन डायमंड पे उन हीमोग्लोबिन पे उसकी नजर है जो ऑक्सीजन को ट्रांसफर करेंगे इसके आरबीसी का बॉयफ्रेंड कौन है ऑक्सीजन तो ये ऑक्सीजन हीमो ये हीमोग्लोबिन पे आके लगते हैं ये डायमंड पे आके लगते हैं तो आरबीसी के अंदर एक आरबीसी के अंदर मिलियंस ऑफ हीमोग्लोबिन हो सकते हैं वो मिलियंस ऑफ हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन आके लगता है समझो एक आरबीसी के ऊपर कितने सारे डायमंड लगे एक लड़िया कितने सारे डायमंड पहन सकती है अपने कपड़ों में दुल्हनों को देखो कितने डायमंड लगे रहते हैं वैसे आरबीसी के अंदर बहुत सारे डायमंड लगे रहते हैं समझो ये आरबीसी है

ऐसे रिंग बना देगा ये पूरा का पूरा हीमोग्लोबिन खा लेगा वो और बीच में हीमोग्लोबिन छोड़ देगा तो बीच में हीमोग्लोबिन छोड़ देगा और फिर साइड में एकदम कोने के हीमोग्लोबिन छोड़ देगा एक रिंग की तरह खाएगा जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे को रिंग देते हैं ना वैसे ये एक रिंग की तरह खाएगा तो इसको बोलते हैं रिंग स्टेज क्या बोलते हैं रिंग स्टेज और पैरासाइट का ट्रोपोसाइट स्टेज भी बोला जाता है क्या बोला जाता है ट्रोपोजॉइट ट्रोपो मतलब खाना जॉइट मतलब एनिमल तो ये खाता है आरबीसी की हीमोग्लोबिन को रिंग के जैसा इसलिए इसको बोलते हैं ट्रोपोजॉइट स्टेज क्या बोलते हैं ट्रोपोजॉइड स्टेज खाने के बाद अब बच्चे फिर से पैदा करना है इसको ये मीरोजॉयट फिर से बच्चे पैदा करेगा और ये आरबीसी को फोड़ देगा

खून में आते खून में एक खूबसूरत महिला बैठी है जिसका नाम है आरबीसी वो आरबीसी को लोगों ने पकड़ा बिचारी को और उसके अंदर घुस गया और उसके सारे डायमंड खा लेंगे हीमोग्लोबिन वालों खा लेंगे और खाते तो एक रिंग के जैसा खाते हैं तो उसको बोलते हैं रिंग स्टेज क्या बोलते हैं रिंग स्टेज और जो स्पोरजॉइड घुस जो मीसोजॉइड घुसा था आरबीसी के अंदर अब इस मीसोजॉइट को बोलते हैं ट्रोपोजॉइट अब ये जो रिंग जैसा दिख रहा है टोपोजॉइट अभी फिर से मीसोजॉइड बनाएगा मीरोजॉइट बनाएगा सॉरी क्या बनाएगा मीरोजॉइट बनाएगा ये मीरोसॉइड बिचारी धुल्हन को फोड़ के निकल जाएंगे जो हमारी धुल्हन घूम रही थी आरबीसी उस गर्लफ्रेंड को बिचारी ऐसा फोड़ेंगे पूरे उसके सत्यानाश हो जाएगा बेचारे की कपड़े भी डायमंड भी खा लिया उसको फोड़ के निकलेंगे और जब फोड़ के निकलेंगे तो ये लोग ये फिर से दूसरे आर को पकड़ेंगे फिर उसका भी हीमोग्लोबिन खाएंगे और उस, उसको भी ख़त्म कर देंगे पर ये प्लाज्मोडियम बड़ा शाणा है उसको पता है अगर कितना भी खा लूँ मैं मेरा पेट नहीं भरेगा मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे और भी इंसान के अंदर जाए तो कुछ मीरोजॉल्ड जो लीवर से निकले थे कुछ मेरोसोइड जो लीवर से निकले थे ना वो आरबीसी में जाएंगे और बनाएंगे गैमेटोसाइड क्या बनाएंगे गेमेटोसाइड अब आरबीसी अभी मलेरिया का प्लाज्मोडियम बोला भैया अब कितना मैं इंसान को खाऊं बेचारा मर जाएगा ना वो नहीं चाहता इंसान मर जाएगा इंसान मर जाएगा तो उसके सारे बच्चे जो अंदर लिवर में हैं जो उसके सारे खून में बच्चे घूम रहे हैं वो भी मर जाएंगे तो वो चाहता है थोड़ी संख्या कम हो जाए इस इंसान में से तो वो बनाएगा गैमेटोसाइट और वो चाहता है उसके बच्चे हर एक इंसान में रहे एक इंसान में नहीं दुनिया में जितने भी इंसान हैं सब सबका सपना होता है कि उसके बच्चे अच्छे घर में रहें और इंसान से अच्छा घर कोई मिल नहीं सकता उनको कि इंसान बिरयानी खाता है इंसान क्या क्या खाता है इंसान तो उनके लिए ए वाला रूम है जिसमें सब कुछ मिलता है उनको तो वो चाहते हैं उनके बच्चों को दूसरा कोई इंसान मिले सब लोग चाहते हैं उनके बच्चे उनसे बड़े घर में जाएँ है ना उनसे बड़ा उससे अच्छा इंसान मिले तो ये ये स्पोरोजोइड भी चाहता है मतलब ये प्लाज्मोडियम भी चाहता है तो कुछ मीसोजॉइड मीजोजॉइड आरबीसी में घुसते हैं पर बना देते हैं गेमेटोसाइड क्या बना देते हैं गमेटोसाइड और ये गमेटोसाइड रात के नौ से सुबह के छः बजे तक आपके हाथ और पैर में आते हैं ये पूरे जो स्पोरोजॉइट थे ये मीजोजॉइड थे ये आपके अंदर थे लिवर के अंदर थे बॉडी के अंदर थे पर अब समय आ चुका है कि ये बच्चे किसी और के अंदर जाएं, तो क्या होएगा? जैसे आप रात में सो गए अगर आपको मलेरिया है तो ये गंदे गैमेटोसाइट्स जो रात में आप सो के तो आपके हाथ आपके पैर और आपके चेहरे पे आ जाएंगे अब बोलोगे हाथ पैर चेहरे पे क्यों आना है इनको हाथ पैर चेहरे पे इसलिए आना है कि मच्छर हाथ पैर पे और चेहरे पे ज़्यादा काटता है कि बाकी जगह आप कपड़े पहनते हो इस प्लाज्मोडियम को भी पता है हाथों में कपड़े तो पहन के लोग सोते नहीं हैं चेहरे पर तो कपड़े पहन के सोते नहीं है पैर में मोजे पहन के तो सोते नहीं हैं तो वो प्लाज्मोडियम सीधा जो गेमेटोसाइट है आरबीसी के अंदर छुप के जो बैठा है गर्लफ्रेंड के अंदर छुप के बैठा है मस आइटम के अंदर वो आपके हाथों में आएगा फिर मलेरिया के मच्छर तो रात के नौ से सुबह के छः बजे तक काटते हैं तो कोई मलेरिया का मच्छर आया उसने आपका खून चूसा तो उसने गैमेटोसाइट भी अंदर ले लिया क्या ले लिया गेमेटोसाइड भी अंदर ले लिया जैसे ही समझो ये मच्छर आया और उसने गेमेटोसाइड अंदर ले लिया अब गैमेटोसाइट दो टाइप के होते हैं एक राजकुमार रहेगा एक राजकुमारी रहेगी दोनों मिलेंगे तो बच्चा पैदा होगा दोनों दोनों गैमेटोसाइट मेल गैमेटोसाइट और फीमेल फी मच्छर के पेट में घुस जाएंगे किस दर घुस जाएंगे मच्छर के पेट में घुस जाएंगे और दोनों चुम्मा चाटी करने लगेंगे बच्चे पैदा करने लगेंगे तो दोनों जब जुड़ जाते हैं तो बन जाता है जयगौट और इस जायॉट को बोलते हैं ऊकोनेटिक अब ओकोनेटिक क्यों बोलते हैं जैसे देखो हमारे पप्पा ने सेक्स किया हमारी मम्मा ने और ओवम मिले और बच्चा बन गया पर बच्चा मूव नहीं कर सकता हमारा हम लोग का जो मम्मी के पेट में बच्चा होता है वो चल नहीं सकता पर इनका जो जायकोट है वो चल सकता है इसलिए उसको बोलते हैं ऊकोनेटिक और ये जायकोट मच्छर के पेट में चलेगा फिर मच्छर के पेट में खड्डा कर देगा और मच्छर के पेट से खा, खाली जगह में पहुंचेगा देखो हमारी बॉडी में भी खाली जगह है पेट के बाहर खाली जगह है ना पर मच्छर की खाली जगह के अंदर खून होता है हमारी बॉडी में खून हमारी खून की नसों में चलता है पर मच्छरों में ऐसा नहीं होता उनका खून लाइक उनका खून जो होता है ना ऐसे पूरी बॉडी में फैल रहता है बिना नसों के चलता है तो उनको बोलते हैं हिमोसिल जिनका खून पूरी बॉडी में हो बिना नसों के अंदर बॉडी कैविटी में हो उसको बोलते हैं हिमोसिल और उनका खून ट्रांसपेरेंट होता है वाइट नहीं होता कभी आपने मच्छर को मारा तो लाल रंग का खून दिख रहा है ना वो वो आपका खून है मच्छर का खून नहीं है वो आपको पी रहा था आपका खून आपने मारा तो उसका आपको अपना खून दिख गया है किसी और का खून दिख गया होगा तो उसके पेट में से ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो बच्चा पैदा करे थे बच्चा चलने लगा जिसको बोलते वो फिर ये बच्चा आया और पेट में खड्डा किया मच्छर के और खाली जगह में पहुंच गया उस खाली जगह को बोलते हैं क्या बोलते हैं हीमोसील ये हीमोसील से चलते 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 मच्छर के सलाइवरी ग्लैंड में आ जाएगा तो ये मच्छर का सलाइवर ग्लैंड है सलाइवरी क्या होता है थक वाला ग्लैंड देखो हमारे मुंह से थुक कहा से निकलता है हमारे कान के नीचे से और हमारी क्या बोलते हैं गले में ये दिख रही है के नीचे सबसे ज़्यादा बनता है और कान के नीचे थुक बनता है आप महसूस कर सकते हैं आप देखो आपके कान के नीचे से थुक आ रहा है आपके गले के नीचे से थुक आ रहा है तो ये थुक कहां से आ रहा है सलाइवरी ग्लैंड में आ रहा है तो ये मच्छर जो मच्छर है ना उसके पास भी सलाइवरी गैंड थुक वाला ग्लैंड होता है तो ये जो नालायक अब ये जो बच्चे बने थे ना ये बनेंगे स्पोरोजॉइड क्या बनेंगे स्पोरोज़ॉइड और ये स्पोरोज़ॉइड सलाइवरी ग्लैंड में घुस जाएंगे अब अगली बार कोई मच्छर यही मच्छर ने किसी और को काटा तो उसको भी मलेरिया फैलाएगा अगर समझो ये मच्छर था इसके पास मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम नहीं था पर ये बंदे को काटा जिस बंदे को मलेरिया था तो ये इंसान अब ये मच्छर के पास भी मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम आ गया मच्छर वजह नहीं है बेसिकली कोई इंसान के अंदर प्लाज्मोडियम आता है तो मच्छर उससे प्लाज्मोडियम लेता है दूसरे जानवर दूसरे इंसान के अंदर डालता है मच्छर एक टैक्सी की तरह है और बीमारी तो प्लाज्मोडियम ही करता है तो प्लाज्मोडियम एक इंसान से दूसरे इंसान में खुद ही मारता है मच्छर की वजह से तो एक बार रिवाइज करा देता हूँ जैसे मच्छर ने काटा समझो ये मच्छर ने किसी किसी को काटा था जिसने उससे प्लाज्मोडियम लिया उसने वो स्पोरोसोइड डाल देगा आपके अंदर ये स्पोरोसोइड जाएंगे लीवर के अंदर और वहाँ पे लीवर के सेल के अंदर घुस के बच्चे पैदा करेंगे बिना सेक्स करे बिना सेक्स अब देखो लोग जब गरीब होते हैं जब खाने को नहीं होता तो बिना सेक्स के बच्चे पैदा कर सकते हैं पर जब खाने को हो जाता है तो वो लोग बोलते हैं अब सेक्स करके बच्चे पैदा जब खाने को बहुत होता है तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बढ़ाते अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तब तक तो नहीं पटाते जब तक पैसा नहीं आता लोगों के पास तो ये बिना सेक्स करे बच्चे पैदा करेंगे असेक्शुअली लीवर के अंदर सेक्स बच्चे पैदा करेंगे लीवर के सेल के अंदर घुसेंगे स्पोसॉइड और बनाएंगे सीजोंट सीजोंट से बहुत सारे मिसोसॉइड बनेंगे और लीवर के सेल को फोड़ देंगे और लीवर के सेल से बाहर निकल जाएंगे अब कुछ 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 मीसोसॉइड बोलेंगे

रिंग स्टेज और इसको बोलते हैं। ट्रोपो मतलब खाना जोइड मतलब एनिमल तो ये समय में ये एनिमल खाते हैं ली। इसलिए इनको बोलते हैं ट्रोपोजोइट मिसोजॉइट से बनता है ट्रोपोजाइट फिर से ट्रोपोजॉइट फूटता है बहुत सारे बच्चे पैदा करता है मेरोजॉइट और आरबीसी को फोड़ के निकल जाता है जब आरबीसी को फोड़ के निकलते हैं ना तो ये लोग एक केमिकल बनाते हैं जिसको बोलते हैं हीमोजोइन क्या बोलते हैं हीमोजॉइन और हीमोजॉइन की वजह से आपको ठंडी लगने लगती है और बुखार आता है मलेरिया में बुखार आता है ना ठंडी लगने लगती है ना वो हीमोजॉइन की वजह से होता है जब आरबीसी बेचारी मर जाती है तो बॉडी को बोलती है भैया मुझे किसी मच्छर ने मार दिया सॉरी किसी प्लाज्मोडियम ने मुझे मार दिया तो वो हीमोजॉइन निकालती है हीमोग्लोबिन के जो बसे हुए पीस होते हैं वो हिमोजोइन बनाते हैं इससे वह आपको बुखार आता है जब भी आरबीसी फूटेंगे तब आपको बुखार आएगा तो इसका मतलब जब आपको बुखार आ रहा है इसका मतलब आपके आर फूट रहे मलेरिया में जो प्लाज्मोडियम कर रहा है उसके बाद कुछ आरबीसी बन जाएंगे कुछ R, कुछ मिजोसाइड जो आरबीसी के अंदर घुसे वो बोलेंगे भैया अब आरबीसी को नहीं मारना, अब हमें अपने आगे बच्चे पैदा करने हैं सेक्स करके बच्चे करना है तो उनको बुलाएंगे गेमेटोसाइट ये गेमेटोसाइट आपके हाथ और पैर में आके रात के 9 से 12 बजे तक सॉरी रात के 9 से सुबह के 6 बजे तक हाथ और पैर में और गर्दन में और चेहरे पे आके बैठ जाएगा फिर कोई मच्छर ये आके आपको काटेगी तो उसके साथ ही गैमेटोसाइट घुस जाएंगे गैमेटोसाइट में दो गैमेट होंगे मेल और फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज होंगे और बनाएंगे ऊकानाइट बच्चा जायका और जो रहा हुआ बच्चा होगा फिर वो मच्छर के छेद करेगा और उसके हिमोसोइ में घुस जाएगा हिमोसिल से उसके सलाइवरी ग्लैंड में आ जाएगा और फिर ये मच्छर के अंदर स्पोरोज़ाइड बन गया ये स्पोरोज़ाइड उसको फैलाएगा जो, जो दूसरा इंसान होगा तो ये साइकिल चलती रहती है ऐसे ऐसे आप समझ गए तो अब हम लोग पढ़ेंगे सिमटम्स होता क्या है इस बीमारी में तो तीन चीज़ हमेशा बीमारी में कॉमन होती है कम से कम चौदह दिन लगते हैं ये सब चीज़ें होने के लिए

टीफर टकला फॉर द हेरटेक होगा तीसरा होगा आपको फीवर बुखार चढ़ेगा आपको और इसमें चिल्स भी होता है मतलब आप काँपने लगते इस काप हो कापोगे ना तो उसका बोलते हैं चिल्स चिल्स कब होता है जब ये आर, जब ये हीमोग्लोबिन आरबीसी फूट जाता है तब तो आपको चिल्स और बुखार होता है इसमें एक और एक सिम्टम हो सकता है वॉमिटिंग उल्टी होना कन्वर्जन मतलब अपनी दुनिया एकदम लोग को होश ही नहीं है कन्वर्जन मतलब होश ही नहीं है कि आजू बाजू क्या हो रहा है बेचारा एकदम थक के गिर गया है मलेरिया के पीछे एकदम गिरे हुए रहते हैं सोए हुए रहते हैं एकदम थके जाते हैं मलेरिया में बॉडी एक भी बदन दर्द भी बहुत होता है भूख भी नहीं लगती बदन दर्द भी बहुत होता है कभी कभी मलेरिया दिमाग में घुस सकता है तो सेरेबल मलेरिया कर सकता है वो, वो आपको मौत दे सकता है बेसिकली अलग अलग ऑर्गन में भी मलेरिया का प्लाज्मोडियम घुस सकता है वो आपको मौत दे सकता है तो मलेरिया ज़रा सा भी अच्छा बीमारी नहीं है तो अब मलेरिया से कैसे बचें तो आपने सिंटम पढ़ लिया आपने लाइफ साइकिल पढ़ लिया हमको पता है एनाफिलस मॉस्किटो करता है और एक चीज़ में बताना आपको भूल गया इसमें दो होस्ट होते हैं एक है आपून जो इंसान और दूसरा होस्ट होता है अपना मलेरिया सॉरी अपना आ, क्या बोलते हैं मच्छर जो है मॉस्किटो दो होस्ट होते हैं एक इंसान है और एक मॉस्किटो है अब आप उन्हें सिम्टम पढ़ लिए लाइफ साइकिल पढ़ लिए अब पढ़ते हैं बचेंगे कैसे मलेरिया से तो मलेरिया से बचने से सबसे अच्छा तरीका है आप नेट में सोए अगर आप गांव में देखोगे ना तो नेट होता है जिसके अंदर लोग बैठ के सोते हैं तो नेट के अंदर सोइए मच्छर की क्रीम आती है मच्छर की क्रीम लगाइए और मच्छर लोग हैं ना बेसिकली बच्चे ना पैदा लाइक आपको खून आपको काटने के बाद खून पीने के बाद बच्चे पैदा करेंगे ना मलेरिया तो वो बच्चे बच्चे बेसिकली वो लोग खून पानी के ऊपर पैदा करते हैं उनके बच्चे बहुत हल्के होते हैं पानी के ऊपर फ्लोट होते तो वो रुके हुए पानी में बच्चे पैदा करते हैं तो रुके हुए पानी में अपने बच्चे डालते हैं तो आप उस आपके आजू बाजू जो भी रुका हुआ पानी है गटर का पानी उसमें कैरोसिन डाल दीजिए तो पानी पतला हो जाएगा और उसकी वजह से उसके बच्चे पानी में डूब के मर जाएंगे उसके बच्चे जल्दी मरते नहीं है पानी के ऊपर फ्लोट होते रहते हैं पर आप कैरोसिन डाल दोगे तो पानी के अंदर डूब के बेचारे बच्चे मर जाएंगे और दूसरा तरीका आप कर सकते हो चाहो तो वो है कि आप क्या बोलते जो पानी है ना उसके अंदर मच्छियाँ डाल दो गप्पी डाल दो या और भी दो तीन मच्छियाँ होती हैं आप उनको इंट्रोड्यूस करा लीजिए पानी के अंदर और वो मच्छियाँ उस मच्छर के लावा को खा लेंगी तो रुके हुए पानी में मच्छिया डाल दीजिए तो उससे ये मर जाएंगे और अब ट्रीटमेंट क्या है इसकी एक ही ट्रीटमेंट है एक प्लांट होता है नाम का प्लांट है उससे क्विनिन निकलता है और वो मलेरिया की ड्रग्स है अब क्विनिन के बहुत सारे फॉर्म आते हैं क्लोरोक्विनोन और हाइड्रोक्विनोन पता नहीं कौन से कौन से फॉर्म आते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हो ट्रीटमेंट के लिए थैंक यू सो मच अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा